समाज को, जिस समाज को उस धरती पर को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी आवाज को ज्यादा तक पहुँचाने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपने जानकारी होगा कि मार्च में ही हमने पार्टी को झारखंड में हमने लॉन्च किया था, उसके बाद पदाधिकारी पे काम करना था लेकिन पंचायत चुनाव आपके राज्य में था, इसके कारण थोड़ा हमने डिले किया और बिहार में भी थोड़ा पॉलिटिकल रूप से थोड़ा सा चीजें आगे पीछे हुआ, इसके कारण हम लोग यहाँ पे अभी हमने मन बना लिया है कि बिहार प्रदेश में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को विस्तार करेंगे, तैयारी करेंगे और संघर्ष करेंगे और रोड पे संघर्ष करेंगे, गरीब लोगों की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो बिहार में या उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे थे वही प्रयास हम लोग बिहार में करेंगे। इसके लिए पहला हमारे जो कमेटी का हमने गठन किया है, जो राष्ट्रीय कमेटी में पदाधिकारी को चयन किया है, कुछ प्रदेश कमेटी में हमने चयन किया है, उसका नाम मैं आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव बोकारो से हैं श्री सरजू केवर जी हैं, जो उनको हमने मनोनीत किया है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेजर बद्री सहनी जी हैं रांची से ही हैं, मोतीलाल सरकार जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं और हमारे सचिव राजकुमार बिंद जी बने हैं और यहाँ उपस्थित है ये धनबाद से है, और वीरेंद्र चौधरी जी अध्यक्षता जो हमारे राष्ट्रीय सचिव रांची से बने हैं, और महत्वपूर्ण जवाबदेही पूरे प्रदेश को चलाने का हमने डॉक्टर राजकुमार चौधरी जी को हमने प्रदेश अध्यक्ष झारखंड का बनाया है जो रांची में ही रहते हैं, और प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद चौहान जी को हमने बनाया है, फिर प्रदीप सिंह जी को हमने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है और प्रदेश उपाध्यक्ष हमने फिर एस पी चौहान जी को बनाया है, चरण केवट जी को प्रदेश प्रधान महासचिव बनाया है, मनोज कुमार मिश्रा जी को प्रदेश सचिव बनाया है, मंजीत चौधरी जी को प्रदेश सचिव अध्यक्षता बनाया है, राजेश कुमार जी को प्रदेश मीडिया प्रभारी हमने बनाया है, प्रदेश प्रवक्ता श्री चंद्रमोहन कुमार चंद्रवंशी जी को हमने बनाया था। ये स्टार्टिंग कमेटी हमने गठन किया है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को काम होगा कि पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूती से राजकुमार जी को गठन करें, क्योंकि इनका एक अपना बहुत पुराना राजनीतिक अनुभव है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी संगठन बहुत सारे लोगों के लिए बड़े बड़े लोगों के लिए इन्होंने काम किया, इनका जीवन ही रहा समाज संगठन, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। उसी तरीके से हमारे बगल में सतू केवट जी है, इन्होंने भी कई संगठन को काम किए, पूरे प्रदेश में समाज को जगाने में काम कर रहे थे, ये लोग पार्टी का साथी बने हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती से जिस तरीके से हम लोगों ने कम समय में बिहार में संघर्ष करके लड़ाई लड़कर और सरकार से हिस्सा हम लोगों ने बना था, उसी तरीके से झारखंड में भी हम लोग काम करेंगे और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि बीजेपी पार्टी निषाद विकास संघ का और या हमारे विकासशील इंसान पार्टी का ताकत क्या है। सामाजिक संगठन के द्वारा हम लोग कई वर्षों से झारखंड में बिहार में और हमने उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी हमने लॉन्च करने के बाद अभी हम लोग काम होगा कि लड़ाई लड़कर सत्ता तक पहुंचना और अपने गरीब लोगों का आवाज को बुलंद करके उनको वाजिब हक दिलाना, इसके लिए हम लोग अभी काम करेंगे। प्रदेश में जब भी चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या उपचुनाव हो, उसमें हमारी पार्टी लड़ेगी और अपनी ताकत आपको दिखाएगी कि हमारे पास जो वोट बैंक है, खास करके कई ऐसे विधानसभा है जहाँ पे हम लोग निर्णायक है, हम लोग जिसको चाहेंगे उसको जिता सकते, जिसको चाहे उसको हरा सकते, चार ऐसे विधानसभा है जहाँ पे अपने दम पर अकेले हम चुनाव जीत सकते, ये ताकत हमारे पास है, तो इसको लेके हम लोग काम करेंगे और संघर्ष हमारा काम है और संघर्ष ही करेंगे, और खास करके 7-8 लाख निषाद का वोटर है, निषाद कई नाम से जाने जाते हैं, बीन गदार मुनिया मला केवट चाय पियर, ये सभी उपजाति को एक साथ किया और सभी को आज उम्मीद है बीजेपी पार्टी से कि ये आने वाले समय में हमारे हक अधिकार की बात करेगा। आज मेरी पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले, जब बंगाल में निषाद को एससी का आरक्षण मिल रहा है या दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण मिल रहा है तो बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है, जब बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बनाया उसने आरक्षण हमें दिया तो इस राज्य में क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने बिहार में देखा कि कम समय में हमने सफलता हमने पाया, अपने लोगों की बात लड़ाई लड़ रहा था लेकिन वो चीज किसी को पसंद नहीं आया, इसके लिए उन्होंने उनका जो काम है उन्होंने किया लेकिन हमारा जो काम है संघर्ष करना वो जिंदगी भर रहेगा और वो कभी छूटने वाला नहीं है। ये सब चीज को लेकर आज झारखंड प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति होने के बाद व्यवस्थित तरीके से पूरे प्रदेश में काम चालू किया जाएगा, बूथ स्तर तक हम लोग कमेटी बनाएंगे।
रांची आने से पहले राजद सुप्रीमो से भी आप मुलाकात करके आ रहे हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्या पुनः घर वापसी करेंगे क्या? नहीं देखिए, सब चीज को बहुत ज्यादा ये नहीं करना है। हाँ, निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में, खास करके बिहार में, विकासशील इंसान पार्टी को इग्नोर करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। ये हमारी ताकत है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि बोछा विधानसभा में हमने चुनाव लड़ा, पूरे एनडीए शक्ति लगा दिया, वो 45,000 वोट प्राप्त किया हमने, अकेले अपने दल 35,000 वोट प्राप्त किया। जो 2020 में हमने 12,000 वोट से हमने वो विधानसभा जीता था, एक साल के बाद उसको एनडीए ने 37,000 वोट से हारा। तो ये ताकत हमारे पास है। अगर 2020 में अगर हम महागठबंधन के साथ रहते तो शायद आज बिहार में सरकार महागठबंधन होता और मुख्यमंत्री रहते, लेकिन उन्होंने गलती जो किया उसको लेकर वो 5 साल के लिए पीछे चले गए। और भारतीय जनता पार्टी ने देखा हमारी ताकत को, बिहार से लेकर झारखंड उत्तर प्रदेश तक ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये पिछड़े समाज को अधिकार की बात कर रहा है, उनको लेकर आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ वो रास्ता रोकने का काम किया, और हमारी पार्टी में भले विधायक उन्होंने ले लिया, हमारी पार्टी को विधायक ने नहीं बनाया, हमारे वोटर हमारे सपोर्टर ने हमारी पार्टी को बनाया। वो आज भी वीआईपी पार्टी के साथ है, और हमने 30,000 वोट लाके दिखा दिया। अभी रहा क्या, हम श्री लालू प्रसाद यादव जी को हमेशा हम आदर्श मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते, गरीब की हक अधिकार की हमेशा आवाज उठाए हैं। आज जो तबियत उनका अस्वस्थ है, इसके लिए हमने दिल्ली में उनसे मुलाकात किया, बहुत स्वस्थ चाहेंगे कि जल्दी स्वस्थ हो और लोगों के बीच में आए, ताकि उन लोग उनको देखने से उनके शरीर में कावल ऊर्जा प्राप्त होता है, इसके लिए हमने उनसे मिला है। लेकिन चुनाव के समय में निश्चित तौर पे, जब चुनाव का समय आएगा उस समय में सोचा जाएगा, सब चीज को सोच के फिर काम किया जाएगा। झारखंड में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कैसे संगठन को स्थापित कीजिएगा, चुनौतियां कई हैं? तो मेरे लिए बिल्कुल ही चुनौती नहीं है, खास करके निशा समाज के जितने भी हमारे संगठन है प्रदेश में, 18-20 संगठन काम कर रहे हैं, वो लोग सब वीआईपी पार्टी को फ्रंट में ला के काम करेंगे। संगठन पे पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे, और हमारा भी लक्ष्य है कि समाज जितने भी हमारे हैं 7-8 लाख वोट जो हमारे पास है, उसको एक जगह करके और अपने साथ रखना है। और हमने कहा कि हम पूरे प्रदेश में वो ताकत बना सकते हैं कि जो हमारे बिहार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में किसी के सरकार नहीं बन सके, वो ताकत हम लोग बनाएंगे। और देखिए, नई पार्टी है, गरीब लोग है, तो हमारे पास चुनौती बहुत है, लेकिन उसका सामना करना पिछले 8 साल से हमने सीख लिया है। और सामना करते अपने 2018 में हमने पार्टी लिया बनाया, और 2020 में हमने सरकार का हिस्सा बने, और पहली बार बिहार में जो निशान दूसरे से टिकट मांगता था वो टिकट बांटने का काम किया। आप ये कह सकते हैं कि बिहार में 2020 में मुख्यमंत्री बने, अगर शायद वीआईपी पार्टी समर्थन नहीं देते तो शायद बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो आज हम लोग संघर्ष करके तो वह ताकत बना लिए कि हमने एक मुख्यमंत्री बनाया। तो आने वाले समय में इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, चुनौती बहुत सारा आएंगे उसको सामना करेंगे। और निशाद है हम, मल्लाद है, और मछली पानी में जो कहते हैं उनको हम निकाल के बाहर रख देते, तो फिर ये तो लोग है वो जितने भी हिरिंग ब्रिंग करना है वो करें, लेकिन हम मजबूती से तैयारी करके उनके ऊपर आने वाले समय में अपने छाप छोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।